इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और पीछे भारी तादाद में जो है जहां तक नजरें जा सकती है वहां तक सिर्फ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। यानी हालांकि किसानों के जो है प्रमुख मांगे हैं, जो पिछली बार भी आंदोलनों में किए गए कई सारे प्रमुख मांगे थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन किसान भाई जो है लगातार अपनी मांगों को उठाते हुए जो है फिर से एक आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। क्या कुछ हो सकता है किसानों की और क्या प्रमुख मांगे रहने वाली है, आगे क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हरिंदर ताऊ जी, आप फिर से दिल्ली का जंतर मंतर पे हैं। पिछले एक साल से किसान आंदोलन चला, अब किस लिए आए हैं, क्या मांगे हैं अब आप लोग? भैया मांग तो वही है, किसानों का हत्यारा जब तक संसद में बैठा रहेगा किसान सड़कों पर रहेगा। अजय टैनी जब तक जेल नहीं जाएगा किसान सड़कों पर रहेगा। जब तक किसानों को MSP का गारंटी कानून नहीं मिलेगा किसान सड़कों पर रहेगा। जब तक किसानों पर आंदोलन के दौरान लगाए गए मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक किसान सड़कों पर रहेगा। जब तक निर्दोष किसान जेल के अंदर रहेंगे तब तक किसान सड़कों पर रहेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होगा किसान सड़कों पर रहेगा। लेकिन ताऊ पिछले बार भी आंदोलन चला तो फिर ऐसा क्या रहा कि किसान जो है मतलब घर चले गए, या फिर क्या रहा, सरकार ने ऐसा क्या कुछ कहा? सरकार लिखित में वादा करके मुकर गई, तो किससे किस पे विश्वास करे? ये देश का भोला भाला किसान किस पे विश्वास करे? अगर सरकार लिखित में देकर कभी मुकर जाती है तो इनसे बड़ा धोखेबाज, इनसे बड़ा गद्दार इस देश में पैदा नहीं होगा। तो फिर लिखित पे जो है विश्वास नहीं जम पा रहा है, तो फिर कैसे विश्वास जमेगा? अब विश्वास जमेगा सड़क से संसद तक, जब किसान दिखाई देगा, इनका तख्ता पलट देगा तब दिखाई देगा। चलिए, बहुत सारी मांगे हैं किसानों की, लेकिन प्रमुख मांग क्या है जिसकी वजह से आज किसान यहाँ? दो चार पांच मांग है। सबसे बड़ी मांग MSP पे गारंटी का कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, अजय टैनी गिरफ्तार। जो किसान लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसान बंद हैं, वो उन्हें छोड़ा जाए, बहुत मांग है। इन्हें तो मूर्खों को ये भी नहीं पता जो ये बिजली अमेंडमेंट बिल लाए हैं कि अगर हमारे एक पशु है तो जब वो ब्याहेगा तो दो हो जाएंगे, उसका बच्चा हो जाएगा, तो बच्चा होते के साथ ही कमर्शियल कनेक्शन लगा देंगे। बिना लवारे के दूध निकालोगे तो मूर्खों को पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे कानून किसानों पे थोप रहे हैं, किसान की जमीन क्यों छीन रहे हैं ये? MSP की लड़ाई आप लोगों की पहले भी थी और आज भी वही लड़ाई है। देखिए, जब तक नहीं मिलेगी जब तक रहेगी। अब आर पार की लड़ाई होगी, या तो यो सरकार रहेगी या किसान रहेगा, एक बचेगा। जिस दिन आंदोलन खड़ा कर दिया एक बचेगा इसमें से। आज भी भारी मात्रा में किसान आए हैं। तो किसान तो दुखी है, आएगा। किसानों का सबका धन्यवाद है जितने आए हैं, कि निगाह बना के रखे हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है और अब के आर या पार होगी सरकार से, ये खूब जोर कर लेना। आज का क्या प्रोग्राम है आप? अरे यही प्रोग्राम है, आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सब मिलते हैं। कम से कम साल भर हो गया था मिले ना थे, एक दूसरे से मिल लेंगे इस बार ने, सारे एक जगह आ जाएं, सब मिल लें। तो फिलहाल आज एक दिन का प्रोग्राम है? हाँ, अभी तो एक दिन का है। और उसके बाद का क्या? अरे जिस दिन होगा ढोल नगाड़े से आवे। हम इन सरकारों की तरह चोर ना, जो छुप छुप के आवेंगे, रात को 12 बजे आवेंगे, दिन में आवेंगे रुक के मचा के आवेंगे, ट्रैक्टरों से आवेंगे, ढोल ढपाड़े बजाते आवेंगे और सीधे संसद पे आवेंगे। इनकी माँ ने दूध पिलाया तो अब के किसान को रोक के दिखा दियो। खुला चैलेंज है, सावधान दिल्ली, जिस दिन किसान आएगा। पिछले बार तो कानूनों को जो है वापस लेने की जो है कहा गया था कि वापस ले लिया गया है और बहुत सारी चीजें थी। जिस दिन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे उससे पहले हर मुद्दे पर बात करेंगे। अभी किसानों के जो हमारे बड़े बड़े जत्थेदार हैं वो सब बैठ के बात करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे को प्रायोरिटी पे रखा जाए। वो सारे मुद्दे रखे जाएंगे, आप लोगों को एक पूरा प्रेस नोट दिया जाएगा, फिर वो हमारे पास भी आ जाएगा और फिर हम जैसे खुल के बोलेंगे, दबे ना, ना रुके, ना झुके, ना टूटेंगे, ना थकेंगे, और जब तक जिएंगे इन सरकारों से ऐसे ही लड़ते रहेंगे। कई महीनों के बाद फिर से आप किसान सड़कों पे आ गए, फिर से कई महीनों के बाद, तो क्या आप मन में चल रहा है आपके साथ? ये तो लोग कहते हैं किसान को दिल्ली ना आन दे।
ते कहां बैठा किसान है कि जी, मैं दम रोक लेते आज ही, आज तो हम थोड़े से ही आए, रोक लेते, जगह ना इनके पास, ना इनकी जेल में जगह, ना इनकी दिल्ली में जगह जहां किसान को रोक ले। जब किसान निकलता है तो सैलाब आ जाता है, 70% देश में किसान है। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी शब्द, अगर कहना चाहें कि मतलब सरकार का आवाज पहुंचाना चाहते हैं कुछ ऐसा? क्या इन्हें अनपढ़ लोगों से क्या कहूं, भैंस के आगे बीन बजानी है। अगर इन्हें बुद्धि आ जा तो सोच ले किसान आया, नहीं तो हम जब वोट मांगने जाएंगे किसान इन्हें फिर रिश्तेदार ना देखा जा। किसान आंदोलन में जो है फेमस रहे हरिंदर ताऊ, जो है इस बार फिर से जो है किसानों के साथ जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और फिर से किसानों के साथ जो है आवाज़ उठाने को जो है आवाज़ उठाने के लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं। और देख सकते हैं भारी तादाद में जो है किसान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम राज्यों से जो है लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से किसान यहाँ पर मौजूद हैं। हालाँकि बताया जा रहा है कि एक दिन के लिए जो है फिलहाल अभी किया जा रहा है, जिसमें कई सारे प्रमुख मांगे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसान आंदोलन आने वाले में जो है फिर से और तेजी से बढ़ सके, बढ़ भी सकता है, ऐसे किसानों का भी कहना है। फिलहाल मैं जीते इजाजत, देखते रहिए सो न्यूज़। धन्यवाद।